बिट आज की ये है कि लॉकडाउन का एनफोर्समेंट पूरे देश में चल रहा है. अर्बन लोकल बॉडीज ने हॉटस्पॉट में COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए अपने एफर्ट्स को और भी बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने आज फिर से राज्य सरकारों को पत्र लिखते हुए कहा है कि लॉकडाउन का एनफोर्समेंट सुचारू रूप से करें, विशेषकर आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए. 9 अप्रैल को जो राज्य सरकारों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार आज देश में 37,978 रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स द्वारा 14.3 लाख स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स एवं अन्य ज़रूरतमंद लोगों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है. इसमें से 34,000 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स राज्य सरकारों ने लगाए हैं और करीब 3,900 रिलीफ कैंप्स एनजीओज ने लगाए हैं. देश में लगभग 26,225 फूड कैंप्स भी लगाए गए हैं जिनमें 1 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तियों को भोजन दिया जा रहा है. इनमें लगभग 14,799 फूड कैंप राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए हैं और 11,426 फूड कैंप्स एनजीओज द्वारा लगाए गए हैं. कुल 16.5 लाख वर्कर्स को आश्रय एवं भोजन उनके एम्प्लॉयर्स और इंडस्ट्रीज द्वारा दिया जा रहा है. कल माननीय गृह मंत्री जी ने भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा की समीक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल्स के साथ VC द्वारा की. उन्होंने आदेश दिया कि बॉर्डर पर सतर्कता और भी बढ़ा दी जाए, खासकर उन एरियाज में जहां फेंसिंग नहीं है और कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाए. बॉर्डर एरियाज में जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको भी COVID-19 एवं इसके रोकथाम के बारे में जागरूक करें. उन्होंने ये भी आदेश दिया कि ज़िला प्रशासनों के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल्स कोऑर्डिनेट करें और ये इंश्योर करें कि कोई भी इनएडवर्टेंटली बॉर्डर फेंसिंग के उस पार ना जाए.